ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम महिला शक्ति केंद्र आरंभ किया गया है, जिसे प्रथम चरण में 3 जिलों हमीरपुर जिला, ऊना तथा कांगड़ा में आरंभ किया गया है। इसके पश्चात 6 और जिलों चंबा, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर तथा मंडी में भी महिला शक्ति केंद्रों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। ये जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर के चिल्ड्रन पार्क में गृहिणी सुविधा योजना के तहत आयोजित निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में 248 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जिससे महिलाएं समाज में और भी सुदृढ़ हुई हैं। केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ने देश भर में बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली मर्तबा महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक अभिनव योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। महिलाओं तथा बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धूमल ने कहा कि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए का नगद लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में 8 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाकर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार आम जनमानस को केंद्र बिंदु मानते हुए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गरीब तथा निर्धन लोगों को आशियाना उपलब्ध करवाने सहित किसानों की आर्थिक मदद तथा मिडिल क्लास के लोगों को भी राहत प्रदान की गई है।